सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई एम मिश्रा। गाइस, आज मैं आपको पढ़ूंगा मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 11। तो चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, मतलब हमें रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हमें इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक, अब देखो हमारे पास हमने मान लिया कि रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो हम देखते हैं, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पी बाई फॉर्म में होते हैं, पी बाई टू की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे a अपॉन b इक्वल टू रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b। तो ये तो हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। जो हमारे ए और बी है वो हमारे को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, हम करेंगे इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलो देखो, रूट 5 का स्क्वायर कर दिया इक्वल टू में ए अपॉन बी का स्क्वायर कर दिया। अब देखो, जो हमारा स्क्वायर से रूट खत्म, तो इधर तो आ गया हमारे पास 5 इक्वल टू में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो, जो हमारे हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते। अगर आपने पढ़ो तो ध्यान से, तो हम इधर कर लेंगे थोड़ा सा रफली यह। अब देखो, तो हम इसमें जो हमारा बी है उसको इधर ले जाएंगे, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यह होगा। अब देखो, ये तो हमारा हो गया। अब ये देख, हम देख रहे हैं इसमें जो हमारा a है वो डिजाइड हो रहा है पूरा पूरा। फर्स्ट हम लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड a इज डिविजिबल बाय। ठीक है, अब देखो हमने पूरा बोर्ड भर दिया इस टाइम। अब हमने देखा जो हमारा a है वो पूरा पूरा डिविजिबल बाय हो रहा है 5 से। तो मैं आगे के क्वेश्चन जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पे। तो चलो चलते हैं गाइस। चलो हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज, देखते हैं हमें आगे का क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमने पिछले पेज पर देखा कि हमारा जो a वो पूरा पूरा डिविजिबल बाय 5 से हो रहा। तो हम लेट करेंगे लेट a स्क्वायर इक्वल टू 5n। अब हम इसकी पूरी पूरी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो, ए स्क्वायर तो हमारा स्क्वायर रहेगा और इक्वल टू में 5 एम का स्क्वायर। हमारा ए स्क्वायर तो एज इट इज रहा, 5 का स्क्वायर आया हमारा 25 एम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अभी कुछ नहीं बनेगी, मैं आपको आगे बना के दिखाऊंगा। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया इतना। अब हमें आगे जाने के लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। छोड़ दो, लाइन कर लेते हैं। ठीक है ना, कभी आप ज्यादा जल्दी नेक्स्ट वे हो जाए, इधर ही कर लेंगे। तब इतनी सारी जगह आपके लिए छोड़ी तो है मैंने। अब देखो, हमने इधर 5 हम कर लिया। हम इसको करेंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब आप पूछेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन कौन सी है भाई। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन गाइस हमारी ये है 5b इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है ना, वो पिछले पेज पे गलती से मैंने नेक्स्ट पेज बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने इसका देख लिया। ठीक है, चलो चलते हैं इधर। अब हमको ये जो ए की जो हमारा ए लेट करा था वो रहा हो गया 25 एम। तो हम इधर लिखेंगे 5 बी का स्क्वायर आ गया, बी का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमने देखा बी तो हमारे इधर एज इट इज रहेंगे 25 इक्वल टू 5, इधर 1 उधर आ गया हमारा 5, क्योंकि इधर जो है मेरे डिवाइड में भेज दिया हमने। ठीक है ना, अब हमारे पास आया 5, तो b का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 5। ठीक है, अब हमने देखा जो b का स्क्वायर है वो भी हमारा पूरा पूरा 5 से डिविजिबल हो चुका है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड b is divisible by 5। ठीक है, तो हमने देखा
हमारा बी बी डिविजिबल बाय फाइव हो गया और ए बी डिविजिबल बाय फाइव हो गया, तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन इज फैक्ट डेट, दिस कंट्राडिक्शन इज फैक्ट डेट रूट फाइव इज नॉट रैशनल, ठीक है ना, देन रूट फाइव इज इरेशनल। तो गाइस ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है तो तब तक के लिए सब्सक्राइब और मोर वीडियो कर दीजिए, और गाइस यार हमें थोड़ा सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है यार, डीमोटिवेट मत करो हमें। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।